हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज जो है ना स्टार्ट हो गया है बर्थडे की प्रिपरेशन, और अभी मैं कुछ कर रही थी क्राफ्टिंग का, तो मेरी हेल्प के लिए आ गई हैं बर्थडे गर्ल सानवी श्री। रो रो के ले लिया सब कुछ, अब ये खुद से कर रही है सारा कुछ। देखिए कार्डबोर्ड और हाथ में पेन, मुझे लग रहा है सब कुछ यही कर लेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें किसी की भी। तो देखते हैं प्रिपरेशन कैसे हो पाती है। कार्डबोर्ड है ना जिसमें ये कर रही है क्राफ्टिंग, ये बेडशीट्स वगैरह नहीं आती उसमें फोल्ड की हुई, उसी का कार्डबोर्ड है। तो क्राफ्टिंग के लिए ना ऐसी चीज़ें आप रखा करो, तभी आपके पास मतलब चीज़ें अवेलेबल होंगी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये स्टार्ट हो गई है और ये हो गया बस हो गया भाई, क्राफ्टिंग तो हो ही गया ऑलमोस्ट। वाह 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 वाह, गुड। मैं सोच रही थी इसका मतलब अच्छे से बना के वीडियो शूट करके ना अपने आर्ट वाले चैनल पर डालूंगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ऐसा हो पाएगा। हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत टाइम से उस पर मैंने वीडियोस नहीं डाली हैं। तो मैं सोच रही थी कि अभी करके डाल दूँगी, देखूँ कैसे कर पाती हूँ, कैसे डालती हूँ। दिख ही रहा है आपको, पिन कर रही है। अब हमने दूसरा निकाल लिया, देखते हैं इसका क्या हाल रहता है। काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो अभी फाइनली हमें एक आर्ट का शॉप मिला, आर्ट एंड क्राफ्ट का, और वहाँ से कुछ कुछ सामान हम लेकर के आए। तो होप्सो कि मेरा जो भी मैंने सोच रखा ना थीम वगैरह, वैसे मैं डेकोरेट कर पाऊँ। बिफोर डिलीवरी हो गई अमेजोन से, ये कल का डेट था लेकिन आज ही आ गया, तो अब हम मेरा काम बन जाएगा। इसकी कमी हो रही थी वो बॉल बनाने में, तो अब बन जाएगा। करते हैं अब हम इसकी अनपैकिंग और चेक करते हैं कि कैसा है इसमें। पता है बहुत ही ज़्यादा सर्च करने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया था, और प्राइस इसका 199 था। देखो मैं, मेरे थीम के अकॉर्डिंग मैंने इसे सेलेक्ट किया था, सही है, जो साइज सोचा था ना वैसा ही है, छोटे छोटे बॉल्स हैं, ठीक है, अच्छा है। देखिए The next day. Finally, आज आ गया है बर्थडे का दिन, और मैं मॉर्निंग से इसकी प्रिपरेशन में लग गई बलून बंचेस बनाने में, और बीच बीच में शान भी आ रही थी और कह रही थी छोड़ो बलून्स को और ये पंप जो है मेरे मुंह पे मारो। पंप की हवा लगते ही वो बहुत खुश हो जाती थी, और ये इतना सिंपल सा डेकोरेशन करने में मुझे सारा दिन लग गया। अब शाम हो गई थी और हम लोग क्या कर रहे थे ना, कैमरा सेट कर रहे थे, और ये कैमरा मुझे ना सानवी से छुपा करके तब सेट करना था, इसलिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी और लाइट की कमी थी, तो हम सब लोग काले काले दिखेंगे। मैंने दीदी से बोला था कि आप रेडी हो जाओ, उसने बोला कोई बात नहीं, तो ठीक है, मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। अपना मजाक उड़ाने मुझे बहुत मज़ा आता है। तो और यहाँ मैंने ना केक पर स्टार्स लगा करके और उस पर शानवी का नाम लिखवाया है, मुझे ऐसे ही उसका नाम लिखवाना ज़्यादा पसंद है। लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था, तो 2 साल से सेम चीज़ हो गई है, अब नेक्स्ट ईयर मैं कुछ अलग चेंज करूँगी। और ये बॉल जो है डिस्को बॉल जो छोटे छोटे मैंने मंगवाए थे अमेजोन से, वो बार बार गिर जा रहे थे, तो उनको चिपकाना पड़ रहा था। लास्ट में एक दो नहीं चिपक रहे, तो मैंने उसे साइड कर दिया, फिर हटा ही दिया, चलो छोड़ो अब रहने दो, उनको चिपकना ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करनी है इनके साथ। मैं यहाँ पे सबको आने के लिए कह रही थी, और यहाँ हुई है हिमांश बाबू की एंट्री हीरो की। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मुझे यही दिख रहा था, इसने क्या किया ना, होमवर्क जल्दी कंप्लीट किया, स्कूल से आया, और उसके बाद इसने मेरी हेल्प भी कराई डिस्को बॉल बनाने में, और ये केक के ऊपर जो छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए हैं ये आइडिया भी उसका ही था, क्योंकि केक वालों ने मना कर दिया था कि वो ऊपर डिस्को बॉल नहीं रखेंगे, और मुझे डिस्को बॉल चाहिए थे, तो मैंने जो ऑनलाइन डिस्को बॉल्स मंगवाए थे ना, मैं उनको ही क्या कहते हैं उस पर रखने वाली थी, बट फिर हिमांश ने आइडिया दिया कि जो छोटे छोटे बॉल्स उसके पास थे उसने उनको ही टेप से रैप कर दिया, और उसके बाद फिर केक थीम के अकॉर्डिंग रेडी हो गया। शानवी फिर से यहाँ पढ़ाई करने लगी थी, मतलब अपने नाम के जो लेटर्स वो देख रही थी वो सारे बोल रही थी। पापा,
शानवी के पापा बर्थडे में नहीं थे इस बार, तो वही वो वीडियो कॉल पे थे, वही ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि, और तेलुगु में ना पापा को नाना कहा जाता है, जबकि हमारे यहाँ नाना का मतलब होता है बेबी के मम्मा के पापा, यहाँ बेबी के पापा को ही नाना कहा जाता है। और यहाँ जीजा जी ने कैंडल जलाया, यानी हिमांश के पापा ने। अब आगे देखिए क्या होने वाला है, बिल्कुल मजेदार। यहाँ हिमांश ने क्या क्या कैंडल बुझा दिया, मतलब हिमांश के पापा ने कैंडल जलाया और बेटे ने बुझा दिया। वो मैं पहले ही कह रही थी, वो बहुत एक्साइटेड था, सुपर एक्साइटेड था। यहाँ ये बता रही थी कि हल्दी भी इसमें रखना है, जो कि इनके यहाँ के रिचुअल है, हमारे यहाँ नहीं किया जाता तो हमने नहीं रखा था। और हिमांश गुंजन यहाँ डांस कर रहे हैं। शानवी रो रही थी, मतलब उसे भीड़ भाड़ ये सब चीज़ पसंद नहीं आ रहा था शायद। लास्ट टाइम भी उसने ऐसा ही किया था, बट उस टाइम थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, अब थोड़ा सही से थी। और ये उसके मामा जो बहुत कम कैमरे में आता है और जो कि जन्म से ही उसके साथ था लॉकडाउन के टाइम पे, ये भी फंस गया था बहुत बुरी तरह से, बट अच्छा हुआ उस टाइम पे, मतलब ये दोनों साथ में काफ़ी टाइम तक रह लिए शानवी के साथ मामा जी इसके। और हिमांश की बारी अब, फाइनली इससे छोटा कोई आ गया जिससे कि ये टीका लगा रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है, तो अभी तक तो यही सबसे छोटा था, इसलिए भी शायद वो इतने अच्छे से एंजॉय कर रहा था। शानवी रोना धोना कर रही थी तो सब लोग मिलकर उसे पैम्पर करने की कोशिश कर रहे थे, और इसे मीठा पसंद नहीं है तो केक इसे खिलाना मुश्किल ही है। फर्स्ट बर्थडे में भी इसने नहीं खाया था और इस बार भी ये नहीं खा रही थी, तो हल्का सा दीदी ने लेकर ना उसे चटा दिया था केक। सभी बार बार बारी बारी से मतलब कैमरे के आगे खड़े हो जा रहे थे, तो अभी दीदी ने पकड़ कर खींचा जीजा जी को कि आओ आओ इधर हटो भाई, क्या सामने खड़े हो गए हो, सामने तो हिमांश बाबू को आना था। शानवी के बिहाफ में सारे काम तो मैं ही कर रही थी, तो केक भी मैं ही खिला रही थी, और सिर्फ एक पड़ोस की लेडी थी उनको हम लोगों ने बुलाया था, बाकी कोई नहीं था, सब हम लोग मतलब घर के ही लोग थे, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे में ये इतनी परेशान हुई थी ना, मैंने सोचा बिल्कुल सिंपल तरीके से और शांति से फैमिली के बीच में हम लोग इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट इस बार भी थोड़ा सा ये परेशान ही रही। और सबके जाने के बाद सारा फंक्शन जो है ख़त्म हो जाने के बाद ये बहुत मज़े में आ जाती है, तो इस बार भी इसने सेम वही किया। और ये हम लोगों का फोटो शूट का टाइम स्टार्ट हो गया था, तो हम लग गए फोटो शूट कराने में। और ये हमारे हिमांश बाबू स्टार्ट हो गए, लग गए फोटो शूट में एनी टाइम। हिमांश ना पुष्पा मूवी का जो ये नहीं है डांसिंग स्टेप, वही करता रहता है, और इसने शायद स्टार तो छोड़ा ही नहीं, आंखों पे स्टार ही लगाए रहा पार्टी में। अब ये थोड़ा माहौल जब शांत हुआ, शानवी के मुंह में बॉटल दे दी गई, उसके बाद हमने उसके साथ फ़ोटोज़ करवाई, उसके पहले उसकी एक भी फ़ोटो नहीं हो पाई। और दीदी यहाँ लग गई थी फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन शानवी की पूरी पिक्चर जो इतनी भी है ना, सब ऐसी ही आई हैं बॉटल मुंह में ली हुई।
ऐसे हम बॉटल निकालते थे वो रोना स्टार्ट कर देती थी, तो इसलिए बेटर था कि हम उसे लगा ही रखें उसमें। बस अब सारे बारी बारी करके सब अपना हुनर दिखा रहे हैं उसको शांत करने के लिए। मैंने बोला मामा जी तुम भी एक फ़ोटो निकलवा लो उसके साथ, तो वो भी लग गया बहला बहला करके करवाने में, सब मिल करके बारी बारी से लगे पड़े थे। लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही पोज हो सकता था, बॉटल में दूध लेकर के। और ये हम लोगों ने फोटोज़ करवाने के लिए लिया था पार्टी प्रॉप्स, लेकिन वो टूट गया तो हम लोगों ने जैसे तैसे मैनेज किया उसके साथ। ये देखिए बार बार हम लोग ला करके दीदी उसके सर पे लगा रही हैं। उसमें जोकर वगैरह थे, स्टार्स थे, स्टार्स तो आप देख ही रहे हो, पूरी पार्टी में उसने स्टार दिखा दिया। अब यहाँ जीजा जी भी आ गए हमारे साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचा है मैं जानती हूँ, लेकिन मेहनत बहुत लगी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बाल खोल लिया कि मैं बाल में मतलब मेरी पिक्चर बड़ी अच्छी आएगी, तो चाहे जो कर लो जैसे हो ऐसे ही आओगे। तो वही कह रही हूँ मैं कि वीडियो तो लंबी हो गई है बट काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी मुश्किल से इसे शूट भी करा था मैंने। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर वीडियोज़ देखना चाहते हो आप मेरे तो सब्सक्राइब कर दें। लो कैमरा गिर गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एंड में हम आफ्टर पार्टी डिनर हमारा जो कि सानवी ने भी टेस्ट करा था फर्स्ट